कैसे हो भाई? होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो, ये वीडियो मैं अपने फैन की डिमांड पे बना रहा हूँ, बट मेरे को पता है मेरे को 95% लोग मेरे को ये वीडियो देखने के बाद मेरे को गालियां देने वाले, एंड 5% लोग मेरे को ऐसे भी बोलेंगे भाई सपने दिखाने के लिए थैंक यू भाई, अगर तेरी कहीं बात सच हो गई ना तो कसम से तेरे मुंह में घी सककर मतलब मजा आ जाएगा, मतलब गालियां देंगे या फिर तारीफ करेंगे तो मेरे को पता नहीं, तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा। बट मेरे को पता है ये वीडियो डालने के बाद मेरे को बहुत सारी गालियां मिलने वाली है। अच्छा देखो, ये डबल वीडियो होने वाला है, मीन्स कि अपन एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है केजीएफ फैंस के लिए। उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आर के उसको रोस्ट कर, तो उसको रोस्ट का कोई फायदा नहीं, बिकॉज मैंने उसका वीडियो देखा है, उसने कहीं पे भी केजीएफ की बुराई नहीं की है। उसने भाई वही बोला कि भाई साउथ की मूवीज में उसको जो लगता है, बट उसका अपन जवाब जरूर से देंगे, उसका अपन आप टेंशन मत, उसका आप लोग टेंशन मत हो, वो अपन उसका जवाब देंगे एंड में। उससे पहले मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर कल आया, बट उसके अंदर एक ऐसी चीज हमको देखने को मिलती है ना जिससे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो चुके हैं, बिकॉज वो लोग को लग रहा है केजीएफ 3 आने वाला है। केजीएफ 3 मतलब समझ रहे हो ना, केजीएफ 3 आने वाला है। अभी देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं, मैं आपको उसका एक सीधा सा एक बात बताता हूँ। देखो भाई, कल ट्रेलर आया, केजीएफ 2 का ट्रेलर आया, उसको देखने के बाद बहुत लोगों ने बोला उनको ट्रेलर पसंद नहीं आया, बिकॉज वो ट्रेलर के अंदर ट्रेलर जैसा कुछ था ही नहीं। मेरे को भी पता है उसके अंदर आपको सिर्फ कैरेक्टर्स बताए जाते हैं भाई, उसके 2-3 डायलॉग बताए जाते हैं, मीन्स के ये जो ट्रेलर काटा है और जिसने भी इस ट्रेलर को काटा है, इनके मेकर्स को भाई बोल मानना पड़ेगा, ट्रेलर के अंदर कुछ बताया ही नहीं वो लोगों ने, क्या लगा प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते मूवी में क्या होने वाला है क्या नहीं होना है, बिकॉज वो लोगों ने कुछ बताया ही नहीं है। फिर भी लोग बोल रहे कि भाई स्टोरी नहीं है, तो घंटा आप लोग को दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा ना आप लोगों को, क्या पूरी के पूरे ट्रेलर के अंदर पूरी के पूरे फिल्म देखनी है आप लोगों को, सलमान भाई की मूवी की तरह मतलब कुछ भी कर रहे हो। अच्छा देखो, जब ट्रेलर आया उसमें एक ऐसा सीन भी है जिसको देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो चुके कि भाई ये क्या था, बिकॉज वो सीन अगर आप देखते हो, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको देखने के बाद देखो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता ये नराची का सीन है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता ये बेंगलोर का सीन है, कहीं से ऐसा भी नहीं लगता कि ये मुंबई का सीन है, ये पूरी के पूरा हॉलीवुड लेवल लग रहा है, हॉलीवुड लेवल। मींस के भाई लोग सोच रहे हैं केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2, भाई ये केजीएफ चैप्टर 3 का सीन हो सकता है, ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ऐसा लोग इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज केजीएफ चैप्टर 1 आपने देखा रहा होगा, उसके अंदर भाई 2-3 सीन ऐसे आते हैं जिसमें केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को बताया जाता है, वो बार वाला सीन ले लो या फिर पुलिस स्टेशन वाला सीन ले लो, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 में भी केजीएफ 3 के कुछ सीन्स बताए जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि केजीएफ चैप्टर 3 आने वाला हो, मतलब ऐसा लोग मतलब सोच रहे, ऐसा लोगों में डाउट हो रहा है। बट मेरे को तो भाई देखो सीधा ऑनेस्टली पता, अगर ऐसा होने वाला होता तो घंटा अभी तक तो अपन का पता चल गया होता। हाँ मैं मानता हूँ भाई ये जो सीन है ना बहुत ही खतरनाक लग रहा है, पूरे पूरा हॉलीवुड लेवल का लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, बट नहीं यार केजीएफ चैप्टर 3 नहीं आएगी। अगर मतलब आती भी है तो मतलब लोग बोलेंगे कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे, बट अगर हो गया तो मतलब केजीएफ फैंस के लिए तो कितनी बड़ी खुशखबरी होगी, बट नहीं मतलब हो नहीं सकता, केजीएफ चैप्टर 3 नहीं आने वाली है। बट ये सीन देख के सीरियसली एक हॉलीवुड लेवल का फील आता है इसको देखने के बाद, कसम से एकदम जबरदस्त। अच्छा बात है केआरके के ऊपर, देखो सीधा बोलूं केजीएफ चैप्टर 3 नहीं आने वाला, अगर आने वाला होता तो हमको पता चल जाता, जैसे कि बाहुबली के बाद बाहुबली 2 का पता चला था, पुष्पा के बाद पुष्पा 2 का पता चला था, केजीएफ के बाद केजीएफ 2 का पता चला, वैसे ही केजीएफ 2 के बाद केजीएफ 3 का पता चल जाता था, बट हमको नहीं चला, इसका मतलब केजीएफ 3 नहीं आने वाला, केजीएफ 2 यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो चलो अपने एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो केआरके। केआरके बोल रहा है साउथ की मूवीज में ज्यादा मार्डर होती है, ऐसी मूवीज बनती है जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब उसको काले पीले लोग पसंद है, उसको गोरे लोग पसंद है, मींस के सलमान खान पसंद है उसको, तो मैं उसको सलमान खान की मूवी देखने के लिए पसंद है, तो अपन क्या ही कर सकते हैं यार। देखो सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ, साउथ की जो मूवीज होती है यार, देखो आज से 10 साल पहले या फिर आप बाहुबली से पहले देखोगे ना, तो भाई ये चीज होती थी कि भाई नहीं कुछ समझ आता था, स्टोरी इन लोग के पास पहले से होती थी, पर ये लोग का दिखाने का जो तरीका होता था ना उसमें मजा नहीं आता था। बट आने वाले ये जो 5-6 साल गए हैं बाहुबली के बाद, जो साउथ की जो मूवीज आई है भाई, साउथ वाले बहुत चेंज हुए, मतलब हर एक चीज इस तरह से ये लोग बनाते हैं ना भाई, मतलब एक अलग ही लेवल होता है। हाँ अगर आप बोलते हैं 5-6 साल पहले मैं भी ये चीज सोचता था कि साउथ के अंदर कुछ मूवीज ऐसी होती है कि भाई यहां से मारता है वहां पर जाके कैसे गिर रहा है, बट नहीं अब साउथ चेंज हो चुका है। ये बंदा खुद बोलता है ये बूढ़ा कि भाई मैं साउथ की मूवीज देखता नहीं हूं, तो बूढ़ा तू देखेगा तो तेरे को पता चलेगा साउथ की मूवीज में क्या क्या होता है, तू देखेगा तो पता चलेगा। एंड तेरे को तो भाई मतलब RRR बेकार लगती है, उसके बाद यार देखो मतलब पुष्पा बेकार लगती है, अब केजीएफ बेकार लग रही है, मींस के सीधा पता चल रहा है कि भाई कहीं से कोई अंकल चाचा आपको पैसे दे रहे हैं इनको बुरा बोलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपन क्या ही बोल सकते हैं, पैसा देखो और तमाशा देख है ना, मतलब आपको राधे श्याम अच्छी लग सकती है ना, तो फिर भाई मतलब क्या ही बोल सकते हैं, सबको पता है कि भाई क्या चीज हो आप लोग। एक जोकर होता है ना, जोकर जिसको देखने के लिए सब आते, मतलब सुनते कुत्ता भोक रहा है बाद में चले जाते हैं, भाड़ में क्या भोकने दो, वही हाल अपन केआरके मतलब केआरके चाचा ने अपना बना के रखा यूट्यूब चैनल पे। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई ये देखो मैं एक बात बोलूं यार, सीरियसली एंड में बोलने मतलब मैंने सोचा मैं एंड में बोलूं कि भाई मान लो अगर आप लोगों की और मेरी बात मतलब मेरी बात तो नहीं आप लोगों की बात सच हो जाती है, अगर इसके अंदर केजीएफ चैप्टर 2 का मतलब 3 का केजीएफ चैप्टर 3 का अगर सीन आता है तो भाई मतलब क्या होगा केजीएफ चैप्टर 2 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 ऐसा हो सकता है या फिर होना चाहिए, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, एज अ केजीएफ फैन, एज अ रॉकी भाई फैन, तो अपने तो भाई सपने में ही सही बट चाहते कि केजीएफ चैप्टर 3 भी बने, मतलब एक अलग ही क्रेज, अलग ही बवंडर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।